नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। फर्जी रिफंड क्लेम के आरोपी ने किए खुलासे, करोड़ों की रकम हुई ट्रांसफर, सोते रहे सेल टैक्स अधिकारी। नम आंखों के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई, मैथना गांव में उमड़ा जनसैलाब, हिमस्खलन में गई थी जान। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश दबोचे, हथियार भी किए बरामद। वसुंधरा सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने भरी हुंकार, महारैली में उमड़ा हुजूम, तीसरे मोर्चे की सरकार के किए दावे। करोड़ों की ठगी के आरोप में पकड़ा गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज सोनी अब नए नए खुलासे कर रहा है। उसने एक साल पहले ही वाणिज्य कर विभाग के साथ और जोन में भी करीब 125 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड क्लेम बिल पास किए थे। इसके बाद इस राशि को वह अपने जानकारों के खाते में ट्रांसफर कर चुका था, लेकिन लापरवाही इस कदर थी कि इनमें से एक भी जोन के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज सोनी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। उस पर अलवर, भरतपुर और जयपुर जोन में करीब 4 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड क्लेम बिल पास कर राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर करने के आरोप है। पुलिस ने जब नीरज सोनी से पूछताछ की तो सामने आया कि वह दिसंबर 2016 में ही अलवर के भिवाड़ी सहित जयपुर प्रथम, द्वितीय और अन्य जिलों में भी करीब 1,30,00,000 रुपए के फर्जी रिफंड क्लेम बिल पास कर राशि खातों में पहुंचा चुका है। जिन खातों में यह राशि डाली गई थी उनमें से ज्यादातर राशि निकल भी चुकी है। यह राशि खुद नीरज, उसके दोस्तों और खाता नंबर देने वालों में बांटी गई। इस तरह अब तक नीरज सोनी करीब 5.5 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड क्लेम बिल पास कर ठगी कर चुका है। नीरज के खुलासे के बाद पुलिस ने वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय को अवगत कराया। अब सभी जोन के CTO और अन्य अधिकारियों को मुख्यालय ने सूचना भेजकर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अलवर में भी आरोपियों में बरामदगी और कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई। इसके लिए शिवाजी पार्क थाने के तहत हसन खां मेवात नगर स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में भी जांच पड़ताल की गई। दिसंबर में ही नीरज सोनी ने सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा किया था, क्योंकि विभाग के पास इस अवधि में काम सबसे ज्यादा होता है। यह राशि जिन खातों में गई है अब उन खाता धारकों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जांच में सामने आया कि नीरज सोनी को उसके दोस्त वेद प्रकाश ने ही सिग्मा एंटरप्राइजेज की फर्म के नाम से फर्जी खाता नंबर उपलब्ध कराया था। इस तरह की साइबर ठगी के मामले के अनुसंधान के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से एक SIT टीम का गठन किया गया है। उधर पुलिस को आशंका है कि खाते से निकाली गई रकम का नीरज ने कहीं निवेश भी किया है। एक साल पहले जिस राशि को रिफंड क्लेम बिल नीरज सोनी ने पास किया था वह खाते से निकल चुकी है। इसमें बड़ी रकम उनको कमीशन के रूप में भी मिल चुकी है। हालांकि आरोपी का कहना है कि वह हर रोज दोस्तों के साथ बार में जाकर महंगी शराब भी पीता था। इस पर ही हर रोज करीब 5,000 रुपए के खर्च होते थे। कुल मिलाकर वाणिज्य कर विभाग का ये घोटाला इस बात का नमूना है कि सिस्टम में पोल का किस तरह कोई शातिर फायदा उठा सकता है। उम्मीद है कि अब विभाग रिफंड क्लेम पर निगरानी की कोई व्यवस्था कायम करेगा। श्रीनगर के कुपवाड़ा क्षेत्र के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन में शहीद हुए सैनिक राजेंद्र का शव आज उनके पैतृक गांव कठुमर के मैथना गांव पहुंचा। इस दौरान सैनिक सम्मान के साथ पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और सबकी आंखें नम थी। वहीं राजेंद्र की मां और पत्नी सहित बुजुर्ग पिता रो रो कर गम में डूबे रहे। वीर जाबाज राजेंद्र के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे।
शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा के आगे आगे तिरंगा लिए लोग चल रहे थे और आर्मी और पुलिस के जवान भी अगुवाई कर रहे थे। वहीं वंदे मातरम के साथ ही शहीद के जयकारे गूंज रहे थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र के माछिल सेक्टर में LOC पर पेट्रोलिंग गश्त जारी थी। इसी दौरान हिमस्खलन में दबने से ड्यूटी पर तैनात 21 राजपूताना रेजिमेंट के 3 जवानों की मौत हो गई थी। इनमें अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के मैथरा निवासी 28 वर्षीय राजेंद्र गुर्जर भी शामिल थे। उनके परिवार में माता पिता, 3 भाई बहन और पत्नी है। सेना में भर्ती होने का जज्बा इस सैनिक में इस कदर था कि इसके लिए राजेंद्र ने 31 बार प्रयास किया और 2012 में उन्हें सेना में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिरकार मुश्किल हालात में अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। एक मकान में डकैती की योजना बनाते हुए 5 खूंखार बदमाशों को जयपुर पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, तलवार, लोहे के पाइप, मिर्च पाउडर समेत लूट डकैती के काम में आने वाला अन्य सामान बरामद किया है। DCP ईस्ट कुंवर राष्ट्रदीप सिंह के मुताबिक सांगानेर प्रताप नगर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। यह टीम इलाके में अपराधियों पर नजर रखे हुए थी। इस दौरान टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि प्रताप नगर सेक्टर 28 के गोविंदपुरा में एक खाली मकान में कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सलमान खान, बिल्लू, रोशन खान, सैफुल इस्लाम और राजेश और बहादुर शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, 2 धारदार तलवार, लोहे के पाइप, वॉकी टॉकी, मिर्च पाउडर और डकैती के काम में ली जाने वाली डस्टर गाड़ी बरामद की है। आरोपी सांगानेर के गोविंदपुरा इलाके के एक मकान को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी आरोपियों को पहले ही दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने जयपुर ही नहीं राजस्थान के अलग अलग शहरों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज मैदान में आज खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैली आयोजित की। इसमें हजारों की संख्या में बीकानेर और राजस्थान के अन्य जिलों के किसान और युवा शामिल हुए। इस रैली में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिरकत की। रैली के लिए शहर में करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए थे। हुंकार रैली में किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, रिक्त पदों को भरने और संविदा कर्मियों को स्थायी करने सहित कई मुद्दे उठाए गए। इससे पहले नागौर और बाड़मेर में भी बेनीवाल ने किसान हुंकार रैली का आयोजन किया था, जिसमें हरियाणा और पंजाब से भी किसान शामिल हुए थे। वहीं हनुमान बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ कर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा किया है। उनका कहना था कि अजमेर और अलवर लोकसभा के 16 और मांडलगढ़ विधानसभा सहित कुल 17 विधानसभा क्षेत्र में जनता ने भाजपा को साफ कर दिया है। वहीं इन चुनाव में तीसरे मोर्चे का प्रत्याशी नहीं होने के कारण लोगों ने मजबूरी में सरकार विरोधी मत कांग्रेस के पक्ष में डाला है। अब जनता को तीसरे मोर्चे के लिए जागृत किया जाएगा। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में एक सराफ की दुकान पर जेवर खरीदने आई महिला दुकान से करीब 1.25 लाख रुपए का हार चुरा कर ले गई। ये पूरी घटना शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चौपाटी बाजार शॉपिंग सेंटर स्थित सराफ शोरूम पर एक महिला के साथ 2 पुरुष पहुंचे और सोने का हार खरीदने की बात कही। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें सोने के हार दिखाए। काफी देर तक देखने के बाद तीनों ने एक हार पसंद किया और थोड़ी देर में पूरा भुगतान कर हार ले जाने की बात कही, लेकिन काफी देर तक यह लोग वापस नहीं आए। उधर जब दुकान में रोजाना की तरह हार के सेट की गिनती की गई तो एक सेट कम मिला। सेट चोरी होने की जानकारी मिलने के बाद दुकानदार मालिक के होश उड़ गए। वहीं जब पूरे दिन भर का CCTV फुटेज चेक किया गया तो एक महिला हार के बॉक्स को चोरी करती हुई नजर आई।
वहीं दुकान मालिक का कहना है कि चोरी गया हार करीब 40 ग्राम का था, जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला सहित दोनों पुरुषों की तलाश शुरू कर दी है। 20 देशों के हजारों लोग रविवार को आयोजित जयपुर मैराथन में शामिल हुए। मैराथन को रवीना टंडन और मॉडल मिलिंद सोमन ने फ्लैग ऑफ दिया। इस मैराथन में जापान, चाइना, पोलैंड, स्वीडन, अर्जेंटीना और अमेरिका सहित 20 देशों के एथलीट शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने भी उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। 21 किलोमीटर का ट्रैक जयपुर और भारत सहित विभिन्न देशों के चैंपियन एथलीट्स के लिए तैयार किया गया था। ट्रैक पर 80,000 रनर्स के साथ 10 लाख इनामी राशि की दौड़ हुई, जिसका उद्देश्य जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का था। वहीं देशभक्ति गीतों के धुनों के साथ आर्मी बैंड भी धावकों का जोश बढ़ाते हुए नजर आए। वही अभिनेत्री रवीना टंडन ने दौड़ को फ्लैग ऑफ किया। आप लोगों के साथ जिसे हम कहते हैं इंडियाज बिगेस्ट रनिंग फेस्ट, इसलिए मैं कहती हूँ दिखा रहे आज। आप सबको मुबारकबाद हो, जो भी भागे और जो भी आज यहाँ मौजूद है, मेरे लिए तो वो अपने आप में चैंपियन है। तो आर यू चैंपियंस और नॉट अल्बर्ट हॉल के साउथ गेट के सामने सुबह 4 बजे 42 किलोमीटर की फुल मैराथन का आगाज हुआ। फुल मैराथन के बाद सुबह 5 बजे 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन हुई। इसमें मिलिंद सोमन भी प्रोफेशनल रनर्स के साथ दौड़े। आयोजक एयू बैंक ने सबसे बड़ी मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया है। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनंतराज सोसाइटी में शराब पार्टी के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण में शामिल मोंटी निवासी नारोल को जयपुर के SMS अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान घायल हुए मोंटी ने पूर्व में पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि वह और शमी सरदार, दीपक यादव और दीपक कुमार साथ बैठकर अनंतराज सोसाइटी में शराब पी रहे थे। इसी दौरान उसे और दीपक कुमार को दीपक यादव, मोहित और शमी सरदार गोली मारकर भाग गए। इसमें दीपक कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोंटी ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते दीपक कुमार ने मोंटी के सिर पर मुक्का मारा तो मोंटी ने पिस्टल से दीपक कुमार पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगाने में जुटी है। यूपी में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 122 में एक ASI ने अपने प्रमोशन के लिए एक युवक की गर्दन और दूसरे के पैर में गोली मार दी। इस दौरान आरोपी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में था। मामला सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के SSP लव कुमार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है। वहीं नोएडा के फोर्टिस में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे जितेंद्र के परिवार का आरोप है कि रात में फर्जी एनकाउंटर करने की कोशिश की गई। जितेंद्र पथरा गाँव में जिम चलाता है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। गोली जितेंद्र के गले में लगी और रीढ़ की हड्डी में अटक गई। घर वालों के मुताबिक जिम संचालक युवक 4 दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो से बहन की सगाई कर लौट रहा था। उसे नोएडा के सेक्टर 122 में कहा सुनी के बाद विजय दर्शन नाम के पुलिसकर्मी ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल को नोएडा के फोर्टिस में भर्ती कराया गया, जबकि जितेंद्र यादव के अन्य साथी गायब बताए जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के द्वारा गोली मारने की बात प्रकाश में आई है और जिस युवक की गोली लगी है वो उपचाराधीन है, यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। जिसके ऊपर एलिगेशन है उसके विरुद्ध परिवार के लोगों को हमने बताया है कि आप लिख के जो भी है आप तहरीर दीजिए और उसमें मुकदमा कायम करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई है, यदि वो दोषी है तो बिल्कुल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे द्वारा परिवार वालों को आश्वस्त किया गया। फर्जी एनकाउंटर की खबर के बाद अस्पताल के बाहर काफी संख्या में परिजन और ग्रामीण जमा हो गए। वहीं किसी विवाद और आशंका के मद्देनजर अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि करीब 80 करोड़ साल पहले चीन का एक बड़ा हिस्सा कभी हमारे नजदीक था। भौगोलिक तौर से तीन हिस्सों से जुड़कर बने चीन का दक्षिणी भाग उसके अन्य दोनों भूभाग के बजाय राजस्थान के उत्तर के नजदीक था। आज यह हिस्सा करीब 3500 किलोमीटर दूर जा चुका है। भारत और चीन के तीन जियोलॉजिस्टिक की रिसर्च में यह बात सामने आई है। इन तीनों साइंटिस्ट ने करीब 4 साल तक जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही की चट्टानों के साथ दक्षिण चीन की यांगत्से नदी के आसपास के इलाकों में रिसर्च किया। इससे पता चला कि पश्चिमी राजस्थान में 75 से 100 करोड़ साल पहले की अग्नेय चट्टानें मौजूद हैं, जो लावा से बनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे M.K. पंडित, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान के प्रोफेसर वेई वांग और प्रोफेसर जू हॉन्ग ने इस रिसर्च को अंजाम दिया। इस शोध पर जियोलॉजिस्ट्स के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल संगठन एल्सेवियर ने मोहर लगाते हुए इसे रिसर्च जर्नल जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में जगह दी है। रिसर्च के नतीजों से साफ है कि 80 करोड़ साल पहले भारत का भूभाग अपने मौजूदा स्वरूप में आ चुका था। तब चीन के बनने की प्रक्रिया जारी थी और उसके तीन टुकड़े अलग अलग थे। धीरे धीरे उसके तीनों हिस्से नजदीक आकर जुड़े और वर्तमान चीन का स्वरूप उभर कर सामने आया। वर्तमान में दक्षिणी चीन भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है, जबकि पहले उत्तर पश्चिम में था। यह तब की बात है जबकि हिमालय भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह समुद्र था। आमतौर पर भूवैज्ञानिकों के रिसर्च में पहले 50 करोड़ साल की भौगोलिक स्थितियां ही पता लग पाती थी, लेकिन इस नई रिसर्च में उपकरणों के जरिए 100 करोड़ साल से ज्यादा की जानकारियां भी सामने आई है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। फर्जी रिफंड क्लेम के आरोपी ने किए खुलासे, करोड़ों की रकम हुई ट्रांसफर, सोते रहे सेल टैक्स अधिकारी। नम आंखों के साथ शहीद को दी अंतिम विदाई, मैथना गांव में उमड़ा जनसैलाब, हिमस्खलन में गई थी जान। डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश दबोचे, हथियार भी किए बरामद। वसुंधरा सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने भरी हुंकार, महारैली में उमड़ा हुजूम, तीसरे मोर्चे की सरकार के किए दावे। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।